नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB Tech में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉकडाउन 2.0 में जो नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें खुलेंगी, कौन कौन सी चीज़ें बंद रहेंगी, यूपी के कौन कौन से ज़िले हैं जहां पर 20 अप्रैल के बाद छूट मिल सकती है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डेट 15 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। 4 से 5 पेज का पूरा ऑफिशियल जो विज्ञप्ति है वो जारी हुई है, तो इसका समराइज करके जो मेन मेन पॉइंट्स है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं लॉकडाउन 2.0 3 मई तक बढ़ा दिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संबोधन में कहा था कि जो इसकी गाइडलाइंस हैं वो आज जारी की जाएंगी। तो यही गाइडलाइंस जारी की गई यहाँ पर। अब आपको जल्दी से बता देते हैं क्या क्या चीज़ें खुली रहेंगी, क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी। तो यहाँ पर दिया गया है कि गाइडलाइंस के अनुसार परिवहन पूरी तरह बंद रहेगा, राज्यों के बॉर्डर भी सील रहेंगे, बस, मेट्रो, हवाई जहाज, ट्रेन सफ़र पूरी तरह बंद रहेगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। वहीं किसानी से जुड़े कामों की छूट जारी रहेगी। इसके साथ ही मुंह कवर करना अब जरूरी कर दिया गया है, फेस मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है, इधर उधर थूकने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, गाइडलाइंस में साफ कर दिया गया है कि शादियां फिलहाल किसी समारोह के साथ आयोजित नहीं हो सकती हैं। ठीक है, जिम व धार्मिक स्थान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्देशों के अनुसार किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशक के निर्माण वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें भी खुली रहेंगी। कटाई से जुड़े जितनी मशीनें हैं उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर रोक नहीं रहेगी। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट करके समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो प्रतिबंधित रहेंगी 3 मई तक। तो सुरक्षा उद्देश्यों और कुछ अन्य अपवादों को छोड़ करके घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध रहेगा। ठीक है, ट्रेन की यात्राएं बंद रहेंगी 3 मई तक। सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो रेल सेवाएं व बसें बंद रहेंगी 3 मई तक। मेडिकल ज़रूरतों के अलावा इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मूवमेंट की इजाज़त नहीं होगी। ठीक है, यानी आप इधर उधर जिलों में भी नहीं जा पाएंगे और अदर राज्यों में भी नहीं जा पाएंगे। शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, सिर्फ जिन्हें अनुमति हो वो औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियाँ हो सकेंगी। ठीक है, हॉस्पिटल सेवाएँ प्रतिबंधित रहेंगी, हॉस्पिटैलिटी व सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी, यानी ओपीडी जो चलती हैं ओपीडी नहीं चलेंगी, इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेंगी। टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और कैब इत्यादि ये सब बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, बार और ऑडिटोरियम ये भी बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। धार्मिक मंडली सख्त वर्जित है, अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग नहीं जा सकेंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पर प्रतिबंधित की गई हैं। तो बेसिकली कहा जाए कि क्या क्या चीज़ें खुल सकती हैं 20 अप्रैल के बाद, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा जो वरीयता दी गई है वो कृषि क्षेत्रों को दी गई, कृषि, बागवानी के और कृषि से संबंधित उत्पाद हैं, जो मंडियाँ हैं ये सब चालू रहेंगी। और कुछ ऐसे जो काम हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर बात करें तो सड़क निर्माण के कार्य, ये भी ऐसे चालू रहेंगे जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके। कुछ प्रमुख जो विभाग हैं वो खुल सकती हैं, हालांकि उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार अलग से गाइडलाइंस जारी करेगी। ये जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं केंद्र सरकार की जारी हुई हैं अभी। ठीक है, अब आपको बताते हैं कौन कौन से वो ज़िले हैं जहाँ पर 20 अप्रैल के बाद छूट मिल सकती है। तो दोस्तों, ये सामने स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये 30 जिले हैं जहाँ पर अभी तक संक्रमण नहीं है। ठीक है, इन 30 जिलों में आपको छूट मिल सकती है, लेकिन ये अभी 20 अप्रैल तक देखा जाएगा। अगर इन 30 जिलों में कोई संक्रमण, कोरोना का कोई केस पाया जाता है तो इनमें से ये जिलों को हटा दिया जाएगा, उनको भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो फिलहाल देख लीजिए अब जिले कौन कौन से हैं। तो जो पहला ज़िला है वो है एटा, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर,
बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, फतेहगढ़, कन्नौज, कानपुर देहात, अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, सुल्तानपुर, उन्नाव, उरई, बलिया, मऊ, चंदौली, सोनभद्र और फतेहपुर। ये 30 जिले हैं जहाँ पर अभी तक कोई भी कोरोना का संक्रमण नहीं है और इनमें आपको 20 अप्रैल के बाद छूट दी जा सकती है, लेकिन ज़्यादा छूट नहीं मिलेगी, आंशिक तौर पर कुछ छूट हो सकती है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गई आज की पूरी अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।